Good morning everyone. Let's start chapter 14 There's a new planet in sight. Let's begin. An international team of astronomers has discovered a planet slightly larger than Jupiter that orbits a star uh, 500 light years from Earth. A super duper telescope was not even required. Uh, they found the planet using several small telescopes much like those used by amateur astronomers. Ek international team the astronomer ki, जिन्होंने एक प्लेनेट जो है उसको फाइंड आउट किया डिस्कवर किया जो कि जुपिटर से थोड़ा बड़ा था और हमारी अर्थ से 500 लाइट ईयर्स दूर था ये जो इसको फाउंड करने के लिए इस प्लेनेट को डिस्कवर करने के लिए कोई बहुत बड़े सुपर डुपर टेलीस्कोप की जरूरत नहीं पड़ी बल्कि इस प्लेनेट को छोटे छोटे कई टेलीस्कोप्स की मदद से ही डिस्कवर कर लिया गया और एस्ट्रोनोमर जो एमेच्योर्ड एस्ट्रोनोमर थे जिन्होंने हाल ही में शुरू की थी स्टडीज करने उनके द्वारा ही इसको खोजा गया था द न्यू प्लेनेट इज नेम्ड टेरिस टू इसका नाम क्या रखा गया था न्यू प्लेनेट का टेरिस टू रखा गया था बिकॉज इट इज द सेकेंड सर्च प्लेनेट फाउंड बाई साइंटिस्ट वर्किंग ऑन द ट्रांस एटलांटिक एक्सो प्लेनेट सर्वे क्योंकि ये दूसरा एक प्लेनेट था जो ट्रांस एटलांटिक एक्सप्लोनेट सर्वे जो है उसके ऊपर काम करते हुए साइंटिस्ट को मिला था इट इज अ ट्रांजिस्टिंग प्लेनेट मीनिंग इट कैन बी सीन ट्रांजिस्टिंग और मूविंग अक्रॉस द स्टार्स इट ऑर्बिट ट्रांजिस्टिंग प्लेनेट क्या होता है कि जिस तरह से जो हमारी अर्थ जो है वो ऑर्बिट में घूमती है सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है वैसे ही ये भी एक स्टार के राउंड लगाते हुए ऑर्बिट के अंदर राउंड लगाता हुआ नजर आता है मतलब इसकी ये जो है ये कंटिन्यू एक स्टार की ऑर्बिट में इस तरह से मूव करता हुआ ट्रांजिस्टिंग प्लेनेट था टेड एन एन इंस्ट्रूमेंटल क्योंकि रिसर्चर्स कैन आंसर अ लोट ऑफ क्वेश्चन अबाउट देम क्योंकि जो रिसर्चर्स जो होते हैं वो इसके मूवमेंट के बेसिस पर बहुत सारे चीजों के बारे में जान पाते हैं कुछ इसमें मैथ्स की कैलकुलेशन लगती है इस ऑब्जर्वेशन में लेकिन स्टार के साथ जो इसकी रिलेशनशिप होती है उसके साथ और कुछ मैथ्स की कैलकुलेशन के साथ ये लोग बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर जो है वो फाइंड कर सकते हैं कैसे क्वेश्चन जैसे जो प्लेनेट है वो कितना बड़ा है हाउ लॉन्ग इज इट्स ईयर इसकी उम्र कितनी है मतलब एक स्टार के राउंड लगाने में uh, कितना इसको समय लगता है और इसका वेट कितना है अगर आप वहां होते हैं तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर इसके ट्रांजिस्टिक होने के कारण हमें मिल जाता है तो क्या आंसर है इसके टेरिस टू इज अ लिटिल बिगर देन जुपिटर हैज अ ईयर दैट इज अ लिटिल लेस देन टू एंड अ हाफ डेज एंड इज अ लिटिल मोर मैसिव देन जुपिटर एक्सप्लेन्स डेन डेन हमने क्या बताया टेरिस टू के बारे में कि जुपिटर से थोड़ा बड़ा है और हमारे अर्थ को अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगाने में कितना समय लगता है थ्री डेज लेकिन टेरिस को कितना समय लगता है केवल टू एंड हाफ डेज केवल ढाई दिन लगते हैं और इसका जो मास है वो जुपिटर से थोड़ा ज्यादा है ये डैन हमने टेरस ट्यार, ट्यार, टू के बारे में बताया फ्रॉम इट्स मास एंड डायमीटर साइंटिस्ट कैन फिगर आउट द डेंसिटी ऑफ द प्लेनेट वेदर इट इज मेड ऑफ रॉक गैस और कॉम्बिनेशन ऑफ द टू इसके मास और डायमीटर के थ्रू साइंटिस्ट ये पता लगा सकते हैं कि uh, इस प्लेनेट की डेंसिटी कितनी है ये रॉक का बना है या गैस का बना है या दोनों का मिश्रण है और यस टेरिस टू जो है वो मेनली uh, गैस का ही बना हुआ है दे कैन ऑल्सो वर्क आउट ऑफ द सर्फेस ग्रेविटी डेन हेम से सरफेस की जो ग्रेविटी है इसके बारे में भी इसके मूवमेंट के कारण पता लगाया जा सकता है यू यू वुड फील अ लिटिल मोर देन ट्वाइस एज हैवी एज ऑन अर्थ इफ यू वर ऑन टेरिस टू मीन्स टेरिस टू जो क्योंकि बिल्कुल गैस का बना हुआ है इसलिए वहां पर बिल्कुल भी ग्रेविटी नहीं होगी और टेरिस uh, पर होने की बजाय आप जब धरती पर होंगे तो आपको दो गुना ज्यादा हैवी फील होगा There is a catch though the temperature is about फिफ्टीन uh, हंड्रेड degrees Celsius uh, क्योंकि वह गैस से बना हुआ है तो वहां का temperature कितना है टेरिस का पंद्रह सौ डिग्री सेल्सियस और वहां पर कुछ भी सोलिड नहीं है जो वहां पर स्टैंड कर सके रुक सके इट इज एंड अइकली प्लेस टू लुक फॉर लाइफ ही सीज इसलिए वो जगह बिल्कुल भी जीवन के लायक नहीं है मतलब वहाँ पर जो है वहां पर अर्थ के जैसे जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं है क्योंकि वहां का टेम्परेचर एक तो फिफ्टीन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस है और कुछ भी सॉलिड वहां पर नहीं है डहनम सेज दैट टू फाइंड स्मॉलर प्लानट लाइक अर्थ और वीनस साइंटिस्ट नीड टू सेंड इंस्ट्रूमेंट ऑन अ मिशन टू स्पेस धरती के जैसे छोटे छोटे प्लैनेट्स को ढूंढने के लिए वीनस जैसे मतलब इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होगी तो स्पेस में कुछ और मिशन उसको भेजने पड़ेंगे द नासा साइंटिस्ट आर प्लानिंग वन कोल्ड द कैप्लर मिशन विच कुछ इन टू इयर्स नासा के जो साइंटिस्ट है वो प्लान कर रहे हैं कैप्लर मिशन को आ, स्पेस में भेजने के लिए जिससे वो वरती जैसे जीवन की संभावनाओं को वहां पर खोज सके जो दो ईयर में आ, स्टार्ट हो जाएगा एक्चुअली दिस चैप्टर हैज बीन रिटर्न अर्लियर एंड कैपलर मिशन हैज ऑलरेडी लॉन्च नाउ लॉन्च हो चुका है ये कैपलर मिशन जो है वो टेरिस टू इज इन दार्ट ऑफ द स्काई डेट द कैप्लर मिशन विल स्टडी टेरेस टू जो है वो भी स्काई का एक पार्ट है जिसके बारे में कैबला मिशन जो वो स्टडी करेगा सिंस एस्ट्रोनॉमर ऑलरेडी नो सो मच अबाउट इट दे कैन यूज इट टू हेल्प मेक श्योर देयर इंस्ट्रूमेंट आर वर्किंग जब एस्ट्रोनॉमर को इसके बारे में और अधिक पता लग जाएगा तो उनको हेल्प मिलेगी कि उनके इंस्ट्रूमेंट जो है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं इट्स रियली ए ब्लास्ट टू बी वर्किंग ऑन फाइंडिंग प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग अदर स्टार्स सेज जन हैम देन हमने कहा कि एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग होगा कि स्टार uh, की ऑर्बिट जो हैं उनमें राउंड करते हुए कुछ और प्लेनेट्स को हम ढूंढ पाए पीपल हैव फॉर मिलेनिया वेदर देर आर अदर प्लेनेट लाइक आर्स लाखों सालों बाद में लोगों को बहुत आश्चर्य होगा अगर हम कोई भी हमारे जैसा प्लेनेट ढूंढ पाते हैं मे बी विद लिविंग थिंग्स ऑन देम हो सकता है वहाँ पर हमारे जैसे कुछ जीवन की संभावनाएं हों द नेक्स्ट टेन ईयर शुड बी फन स्टे ट्यून्ड अगले दस साल बहुत आनंद के गुजर सकते हैं स्टे uh, ट्यून आप इंतजार करिए ओके स्टूडेंट्स रेडी द चैप्टर लर्न एंड राइट द वर्ड मीनिंग फील ऑल एक्सरसाइजेस इन द बुक एंड राइट द क्वेश्चन आंसर एंड लर्न इट ऑल्सो